दिल्ली में प्रदूषण का मिनी लॉकडाउन, ट्रकों की एंट्री पर लगाई गई रोक, वर्क फ्रॉम होम पर नई गाइडलाइंस। दिल्ली में प्रदूषण के कहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। सरकार के तमाम कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसी बीच प्रदूषण के कहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ आपातकालीन सेवा से जुड़े ट्रकों को ही दिल्ली में आने की अनुमति दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। निजी कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली के अंदर पहले से ही जितने तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन वर्क हैं, निर्माण और विध्वंस के जो कार्य हैं, उन पर प्रतिबंध है, लेकिन उसमें कुछ कैटेगरी को छूट दी गई थी। उसमें से आज हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन का जो वर्क जिसको छूट दी गई थी पहले चरण में, इन पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसे अब दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी ट्रक्स के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया था, दिल्ली के अंदर उसे लागू किया जा रहा है। इसमें एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली सरकार के जो दफ्तर हैं 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। जो प्राइवेट दफ्तर हैं उनके लिए भी हम एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करें। आपने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सुना। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण के कहर को देखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता अति गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ नोएडा प्रशासन ने भी कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को 8 नवंबर तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों से ऑनलाइन क्लासेज चलाने को कहा गया है। अब दिल्ली सरकार ने ट्रकों पर रोक लगाने समेत दूसरे कदम उठाए हैं, जिससे दिल्ली की जनता को प्रदूषण के कहर से बचाया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।